जय हिंद, वंदे मातरम सभी सम्माननीय साथियों को। दोस्तों, टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के साथ जुड़ने से पहले हर व्यक्ति ये बात करता है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारा क्या फ़ायदा होगा। सर्वप्रथम व्यक्ति जो होता है अपने फ़ायदे की बात करता है कि हमको इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो संगठन का मतलब ये नहीं होता है कि हमको आर्थिक रूप से हमको मतलब फ़ायदा होगा या हमको उससे और कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन लोग अधिकतर जो होता है मतलब आर्थिक फ़ायदे की बात को लेकर बात करते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए हमको क्या फ़ायदा होगा। तो मित्रों, आज हम कुछ इसी टॉपिक और मुद्दे को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं कि सामाजिक संगठन हो या कोई भी संगठन हो, इसके क्या फ़ायदे हैं, संगठित क्यों रहना चाहिए, आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं आप सभी आदरणीय साथियों से आग्रह करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप मत करिएगा। तो मित्रों, मैं हूँ दशरथ अगरिया और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बिना लेट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सामाजिक जानकारियाँ, सामाजिक मोटिवेशन वीडियोज एवं अन्य अच्छे अच्छे सुविचार संबंधी वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को बहुत ही जल्द तत्काल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि कोई बिंदु हमसे छूटता है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। तो मित्रों, और कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। आप हमारे अगरिया समाज संगठन भारत की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप वहाँ जा कर के चेक करिए और चेक करने के बाद आप उनको रीड करिए, पढ़िए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगठन के फ़ायदे पर, संगठन से हमको क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि संगठन में फ़ायदे के लिए, जैसा कि मैं पूर्व में भी चर्चा किया हूँ, हर चीज़ का फ़ायदा आर्थिक नहीं होता। हर चीज़ को हम फ़ायदे को आर्थिक रूप से नहीं ले सकते हैं। एक चूँकि संगठन होता है तो उससे फ़ायदा होता है, लेकिन संगठन के फ़ायदे जो होते हैं वो अनेक तरह के होते हैं। तो चलिए उसको हम बारी बारी से देखते हैं कि आखिर वो फ़ायदे कौन कौन से हैं। ठीक है मित्रों, तो जो मित्रों पहला जो हमारा पहला फ़ायदा है वो है उद्देश्य की पूर्ति। दोस्तों, आप समझिएगा, दोस्तों उद्देश्य की पूर्ति पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है उद्देश्य की पूर्ति। तो इसमें दोस्तों उद्देश्य की पूर्ति, हम सभी मित्रों जानते हैं कि ये कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी संगठन है, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया जाता है। चाहे कोई भी उद्देश्य मकसद हो, एजुकेशन का हो सकता है या सामाजिक हो सकता है या फिर आर्थिक मदद की हो सकती है। ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन होता है वो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति होती है तो सबसे पहला जो फ़ायदा हमारा होता है, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ या किसी भी संगठन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले जो हमारा फ़ायदा होता है वो होता है हमारे उद्देश्य की पूर्ति। हम जिस उद्देश्य के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं वो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके लिए हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको आर्थिक फ़ायदा ही हो, लेकिन जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा मकसद होता है, वो हमारी इस किसी भी संगठन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है मित्रों, तो पहला जो हमारा होता है उद्देश्य की पूर्ति, जो हमारा दूसरा बिंदु है जो फ़ायदे में आता है, किसी विशेष समुदाय या उद्देश्य के लोगों को संगठित कर पाना किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। मित्रों, जैसे हर संगठन का जो उद्देश्य होता है किसी
विशेष उद्देश्य के लिए होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि हमारा जो पहला था वो उद्देश्य की पूर्ति हमारी होती है। दूसरा, जो किसी विशेष उद्देश्य या समुदाय के व्यक्तियों या विचार वाले लोगों को हम संगठित कर पाते हैं। दोस्तों, संगठन जैसा कि नाम से है स्पष्ट होता है, तो संगठन जो होता है वो लोगों का एक समूह होता है। तो जैसे कि जो हमारे इस संगठन का जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य होता है उसी विचारधारा के लोगों को आप एक जगह एक मंच पर संगठित कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि समाज में शिक्षा लाना है, तो समाज में शिक्षा लाना है तो मित्रों आप अकेले कैसे करेंगे, इसलिए आप अपने साथ इस संगठन के साथ किसी भी संगठन के साथ उस विचारधारा के लोगों को अपने साथ संगठित करते हैं, अपने साथ जोड़ते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके साथ एक विशाल नेटवर्क तैयार हो जाता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप राज्य वाइज, जिला वाइज, ग्राम वाइज आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये दूसरा फायदा हमारा हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि हम एक विशेष उद्देश्य या फिर विशेष समुदाय या विशेष विचारधारा वाले व्यक्तियों को हम एक साथ एक मंच पर संगठित कर पाते हैं। चूँकि आप सभी जानते ही हैं कि एक व्यक्ति अकेला किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है, उसके लिए व्यक्तियों का समूह होना अनिवार्य है, ग्रुप होना जरूरी है। अगर आपके पास लोग नहीं हैं, आप संगठित नहीं हैं, तो आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा ये दूसरा बिंदु है बहुत ही शानदार फायदा है कि हम विशेष उद्देश्य वाले या विशेष विचारधारा वाले लोगों को हम एक जगह एक मंच पर संगठित कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है संगठन के उद्देश्य और मकसद को सभी तक पहुँचा पाना। दोस्तों, यदि आप किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि संगठन का जो उद्देश्य है वो तभी सफल होगा जब आपका उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, गांव-गांव, घर-घर, जिला में, राज्य में। जब तक इसका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आप लोग के आप आ, आ, जो आपका जो उद्देश्य है वो संगठन का जो उद्देश्य मकसद है कि संगठन किस उद्देश्य और किस मकसद के लिए कार्य कर रहा है, तो उस उद्देश्य मकसद को जब तक लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, तो संगठन का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि इस जो भी संगठन होता है उसके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो व्यक्ति हमसे संगठित हुए रहते हैं, जो व्यक्ति हमसे जुड़े रहते हैं, हम उनके माध्यम से हम गाँव-गाँव, घर-घर, जिला वाइज, राज्य वाइज हम अपने उद्देश्य की पहुंच हम बना सकते हैं और सभी तक हम अपने संगठन की जानकारी दे सकते हैं। तो मित्रों, जो हमारा इस तरीके का ये जो लाभ है बहुत ही बेहतर है कि संगठन का जो उद्देश्य और मकसद होता है उसे हम संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा लाभ होता है। अब नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर जो टॉपिक है हमारा, आर्थिक फ़ायदा। अब आर्थिक फ़ायदा कैसे दोस्तों, क्योंकि ये सामाजिक संगठन होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें तो किसी भी प्रकार की सैलरी या वेतन या TADA यात्रा भत्ता किसी भी प्रकार का नहीं दिया जाता है, तो इसमें आर्थिक फ़ायदा कैसे हुआ? दोस्तों, मैं बात करता हूँ, हर संगठन का एक अलग अलग उद्देश्य, एक हर जो संगठन प्रत्येक संगठन जो होते हैं वो अलग अलग उद्देश्य मकसद के तहत कार्य करते हैं। जैसे किसी का उद्देश्य मकसद होता है कि एजुकेशन के प्रति हम कार्य करेंगे, समाज में शिक्षा लाएंगे, समाज में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, या किसी संगठन का एक अलग होता है कि हम भूखों को खाना खिलाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं, तो कुछ सामाजिक संगठन ऐसे विशेष विचारधाराओं को लेकर कार्य करते हैं। और संगठन में जो मैं आर्थिक मदद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यदि आप किसी सामाजिक संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और आपके पास एक संगठन का पूरा समूह है, जैसे मान लीजिए आप पूरे भारत स्तर पर किसी संगठन को लेकर काम कर रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे इस संगठन के लोग, मेंबर्स, साथी जुड़े हुए हैं, तो यदि आप किसी विशेष आपके संगठन में किसी उद्देश्य, कुछ आर्थिक मदद को लेकर के कोई उद्देश्य है, कोई बिंदु है, तो उसमें आप भी आ जाते हैं। और यदि आपके घर में उस तरीके की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो संगठन आपकी भी उतनी ही मदद करता है जितने कि आप संगठन से जुड़कर दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे कई तरीके के संगठन होते हैं, आर्थिक मदद के लिए होते हैं, भूखों को खाना खिलाने के लिए होते हैं, इस तरीके से समाज में शिक्षा के लिए होते हैं, और भी बहुत सारे संगठन बने होते हैं। तो उसमें यदि आप जुड़े हुए हैं
तो उससे आपको आर्थिक मदद भी प्राप्त होती है। आपके घर में कोई दुर्घटना होती है तो पूरा संगठन आपका सहयोग करता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की, यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, उसमें संगठन मदद करता है। यानी आपके सुख दुख में, हर सुख दुख में ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ होता है। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते हैं। तो संगठन से जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक नंबर 4 जो हमारा है, आर्थिक सहायता, जिसके लिए हर व्यक्ति काम करना चाहता है। ठीक है मित्रों, अब जो नेक्स्ट हमारा जो लाभ है वो बहुत ही बड़ा लाभ है मेरे दृष्टिकोण से। आपके दृष्टिकोण से मैं नहीं जानता आप क्या सोच रखते हैं, पर मेरा दृष्टिकोण ये कहता है कि नंबर पाँच जो हमारा टॉपिक है जो संगठन के लाभ में आता है, वो है स्वयं की पहचान संपूर्ण समुदाय में, संपूर्ण संगठन में, संपूर्ण क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी जानते ही हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कोई संगठन में जब जुड़ने की बात करता है कि इस संगठन से हमको मिल के समाज के लिए कार्य करना है या किसी विशेष क्षेत्र के लिए काम करना है, तो हर व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या पद मिलेगा। पहले वो अपने पद की बात करता है, पद की चिंता करता है कि मुझे क्या पद देंगे, या पद को लेकर बात करता है। दोस्तों, आप हों या मैं हूँ, किसी भी पद में हम बने रहें, लेकिन जब तक हम कार्य नहीं करेंगे हम तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। क्योंकि मित्रों, व्यक्ति की जो पहचान होती है उसके कार्य से होती है। जो जितना बेहतर कार्य करता है उतना ही बेहतर उसकी पहचान स्थापित होती है। कि कोई भी संगठन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पद महत्वपूर्ण नहीं रखता है सम्माननीय साथियों। इसके लिए ज़रूरी होता है आपका कार्य, आपके कार्य ही आपकी पहचान होती है। पद विशेष महत्व नहीं रखता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए पद के पीछे नहीं भागना चाहिए व्यक्ति को। अगर किसी संगठन में काम कर रहा है तो उसके लिए होता है निष्ठा भाव से आप जिस सामाजिक संगठन या जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस संगठन या जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उसके लिए आप मन लगाकर कार्य करें और लोगों को मोटिवेशन दें, संगठन के उद्देश्य और विचारधाराओं को लोगों तक पहुँचाएँ। जब आप इस संगठन के उद्देश्य और मकसद को लोगों तक पहुंचाते जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपकी पहचान स्वतः ही स्थापित हो जाती है। इसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं पड़ती है और लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। तो सम्माननीय साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमारी पहचान स्थापित होती है। बहुत सारे साथियों के मन में विचार रहता है कि मुझे कोई पद नहीं मिला है तो मैं, मेरे को कोई नहीं जानता है, मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे पहचान स्थापित मेरी नहीं हो रही तो मैं इस संगठन में जुड़ के क्या करूँगा। सम्माननीय साथियों, सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा होता है, आप जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संगठन का निर्माण किए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति इस संगठन के माध्यम से हो रही है। और संगठन क्या है? संगठन आप है, व्यक्तियों का एक समूह ही संगठन होता है। तो इसके लिए हम सभी को मिल करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संगठन से यदि हम जुड़े हुए हैं तो उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए, एकदम सकारात्मक विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी ने अभी संगठन के फ़ायदे को देखा, मैंने विशेष मुद्दों को ही संगठन के फ़ायदे में मैंने रखा है जो मेरे समझ में आया। यदि आपके मन में कोई विचार हो, जो चीज़ हमसे छूट रहा है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से अपनी विचारधाराओं को दर्शा सकते हैं। तो सम्माननीय दोस्त साथियों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कोई अतिरिक्त जानकारियाँ हो या कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई जानकारी आप हमको देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से वो जानकारियाँ हमको दे सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।